नमस्कार मित्रों, मैं नीतीश भारद्वाज। आज सुबह से मुझे बहुत सारे अपने मित्र, मेरे फैंस और मीडिया के मित्र फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या आज की कोरोना की स्थिति में, इस आपदा में महाभारत प्रासंगिक है। क्या महाभारत का कोई एक पन्ना ऐसा है, कोई एक पृष्ठ ऐसा है जिससे हम कोई सीख ले सकें? तो मित्रों है। वो कौन सा पृष्ठ है? वो अध्याय है आदि पर्व के अंत में, जब महाराज धृतराष्ट्र पांडवों को खांडव वन देते हैं, बंजर धरती और एक वन अरण्य, और कहते हैं जाओ अपनी नवीन शुरुआत करो, अपना अपना जो नवीन राज्य है उसकी शुरुआत वहाँ से करो। वहाँ बंजर धरती है और खांडव वन है। खांडव वन जो आज का मेरठ है, उसका नाम खांडव इसलिए था कि खांड मतलब मधु, स्वीट। उसमें महुआ के बहुत सारे पेड़ थे और महुआ के पेड़ आप जानते हैं, जब उनके फूल आते हैं तो पूरा आसमंत जो है, वातावरण जो है, वो मधुर मधुरता से भर जाता है। ये वन इक्षुमती नदी के किनारे पर था। वहां बहुत सारे प्राणी, पशु, पक्षी, सांप, कछुए, मछली, जलाशय, सब कुछ था। और उसके राजा थे राजा तक्षक, नागराज तक्षक। तो जब ये दिया तो अर्जुन और कृष्ण वहां चले गए और सोच रहे थे, अर्जुन पूछ रहे थे कि अब क्या करें, इसको कैसे करें, ये तो वन है, बंजर धरती है, ये वन की भूमि भी अपने को चाहिए, लेकिन इसको कैसे करें, यहां पे कैसे हम इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। तो अग्निदेव उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मैं 7 बार प्रयास कर चुका हूं इस वन को जलाने का, और ये जो राजा तक्षक हैं जो यहां रहते हैं नागराज, इनके मित्र हैं, परम मित्र हैं इंद्रदेव। जब भी मैं अग्नि के रूप में इसको प्रज्वलित करना चाहता हूं, इंद्रदेव वरुण की वर्षा कर देते हैं और उसको आग को बुझा देते हैं, तो आप मेरी मदद करें, ये मेरे लिए आवश्यक है करना। तो अर्जुन ने सोचा, मैं भी तो यही सोच रहा था कि ये जो वन है ये जल जाए तो मुझे और भूमि मिल जाएगी जिस पर इंद्रप्रस्थ खड़ा होगा, बड़े बड़े महल खड़े होंगे। तो उन्होंने वरुण देव की आराधना की कृष्ण के कहने पर। वरुण देव प्रसन्न हो गए और वरुण देव ने कहा कि क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे एक ऐसा धनुष चाहिए जिस पर बाण लगाते ही जहां मेरा बाण जाना चाहिए वहीं जाए, एक अलौकिक दिव्य धनुष चाहिए। फिर मुझे 2 तरकश चाहिए, अक्षय तरकश, जिसके बाण कभी खत्म ही ना हो, और एक ऐसा रथ चाहिए जो मन की गति से भी तेज दौड़े। तो वरुण देव ने उनको गांडीव धनुष दिया, अक्षय तरकश दिए 2, और वो अलौकिक रथ दिया जिसको बाद में आपने महाभारत के भारतीय युद्ध में देखा, जिसका सारथ्य किया स्वयं भगवान कृष्ण ने। फिर जब ये मिला तो उन्होंने अग्नि से कहा, अग्निदेव आप इसको भस्म कीजिए। अग्निदेव ने जब उसको वन को भस्म किया, तब तक्षक राज वहां नागराज तक्षक वहां पर नहीं थे, वो कुरुक्षेत्र गए थे। सारे पशु पक्षी उसमें से हाहाकार मच गया, जलने लगे, लोगों के पैर जल रहे हैं, प्राणियों के, पक्षियों के पंख जल रहे हैं, गर्दन जल रही है, आंख जल रही है, भस्मसात होने लगा सब कुछ, पक्षी उड़ने लगे। जैसे ही प्राणी भागने लगे, पक्षी उड़ने लगे, अर्जुन ने अक्षय तरकश से बाण निकालकर उस गति से, गांडीव से बाण चलाए कि सबको मार दिया, संहार कर दिया पूरा, सब कुछ जल गया। उसमें जलाशय थे, उसका पानी जलाशय का पानी सूख गया, कछुए मर गए, मछलियां मर गईं, सब कुछ मर गया, पेड़ पौधे जल गए। तक्षक का बेटा अश्वसेन, मय नाम का असुर, जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से कृष्ण जी ने मय सभा बनाई इंद्रप्रस्थ में बाद में,
और चार पंछी इतने ही बचे, छह लोग। उसके ऊपर इंद्रप्रस्थ खड़ा हुआ, निर्माण हुआ, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला में तक्षक दहक रहा था, प्रतिशोध लेना चाह रहा था। वो रुका, भारतीय युद्ध खत्म होने तक रुका, पांडव स्वर्गारोहण पर चले गए तब तक रुका, राजा परीक्षित बना हस्तिनापुर का, तब जाकर तक्षक ने उसे काटा, दंश किया, डंख मारा और राजा परीक्षित मर गया। अपने पिता को मरता हुआ देख प्रतिशोध की ज्वाला में धधक उठा उसका बेटा जन्मेजय। उसने एक ऐसा यज्ञ याग यज्ञ का आरंभ किया, पूरे आर्यावर्त से, हर वन से, नैमिषारण्य, काम्यक वन, दंडकारण्य, हर वन से उसने सर्पों को एकत्रित करके उस अग्नि में यज्ञ के डाल दिया, मार दिया। उसको उस क्रोध को देखकर ऋषि वैशंपायन ने उसे बिठाया और जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाना आरंभ किया। उसका प्रयोजन, कई प्रयोजन थे, जीवन यापन कैसे करना है, कलयुग में जीवन यापन कैसे करना है, ये वो राजा जन्मेजय को बताना चाह रहे थे। शांति से कैसे जीवन यापन करना है, प्रतिशोध का अंत नहीं है। आज क्या हम यही नहीं कर रहे हैं? आज जहां पूरा भारत लॉकडाउन में है, सड़क पर कोई नहीं है, ना कोई वाहन है, ना मनुष्य है, इक्का दुक्का छोड़कर जो डंडे खा रहा है, आज देखिए दिल्ली के बाहर, यूपी के रोड पर, हरियाणा की रोड पर नीलगाय दिख रही है, आज आपको सांबर दिख रहा है बारासिंगा, आज आपको चीतल दिख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? हमने इनके वन नेस्त नाबूद करके अपने शहरों को बसाया है और अपने राष्ट्रीय महामार्गों को बनाया है। आज हम यही कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, अनाधुन काट रहे हैं, कोई पेड़ लगा नहीं रहा है। ये रुकना चाहिए। यदि ये नहीं रुका, ये सीख है महाभारत की, इस अध्याय की, खांडव वन के अध्याय की, ये प्रासंगिक है आज के लिए। यदि ये नहीं रुका तो जिस दिन प्रकृति का कोप होगा, प्रकृति मात्र एक छोटी सी करवट लेगी, बस थोड़ी सी, इतनी सी, बस वो रिक्टर स्केल होगा 10, और जिस तरह से डायनासोर्स का युग खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ये मानव वंश समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। महाभारत के इस खांडव वन, इस अध्याय का, इस कहानी की प्रासंगिकता यह है कि आज हम सीख लें प्रकृति के साथ संतुलन बना के रहना सीख लें, उसकी हार्मनी में जीना सीख लें। पशु पक्षी प्राणी, तितलियां, मधुमक्खियां, हर एक जीव, उसके जीवन का आदर सम्मान करना सीख लें, को एग्जिस्टेंस सीख लें, लेट एंड लिव की भावना को सीख लें। हमको विकास चाहिए है, विकास किसको नहीं चाहिए, हमको प्रगतिशील बनना है, लेकिन उसके साथ में इन सब की भी रक्षा करनी है। यदि हमने ये नहीं किया, इन सब की रक्षा नहीं की, इनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं सीखा, तो प्रकृति सुनामी भेज देगी, भूकंप भेज देगी, और बहुत अगर क्रुद्ध हो गई प्रकृति तो बस रिक्टर स्केल पर 10 की एक करवट, और यहां पर हम समाप्त। इसके लिए आज इस लॉकडाउन में ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर झांक कर देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम कहां गलत थे, और वो नया आचरण दिखाइए। इस लॉकडाउन के बाद हमको नवीन भारत का निर्माण करने का यह सुनहरा अवसर है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के जो दो की वर्ड्स हैं, दो, संयम और संकल्प, उसके साथ में मैं जोड़ना चाह रहा हूं स्वाध्याय।
स्वाध्याय करना है हमको, ताकि हम एक बेहतर इंसान बने, बेहतर मनुष्य बने, जो प्रेम करना जानता है, जो शांत रहना जानता है। यहां पर आज ये जो अपने अगल बगल में शांति है, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है पैपू, ये जो शांति है, इस शांति से प्रेम करना सीखिए, इस शांति को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में लाना सीखिए, ताकि हम इसी शांति को लॉकडाउन के बाद अपने अगल बगल में वातावरण में प्रसारित कर सकें। उससे ये मनुष्य वंश शांत होगा। इसी में मनुष्यता का भला है। स्वाध्याय करना है हमको, ताकि हम एक बेहतर इंसान बने, बेहतर मनुष्य बने, जो प्रेम करना जानता है, जो शांत रहना जानता है। यहां पर आज ये जो अपने अगल बगल में शांति है, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है पैपू, ये जो शांति है, इस शांति से प्रेम करना सीखिए, इस शांति को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में लाना सीखिए, ताकि हम इसी शांति को लॉकडाउन के बाद अपने अगल बगल में वातावरण में प्रसारित कर सकें। उससे ये मनुष्य वंश शांत होगा। इसी में मनुष्यता का भला है। इतना मैंने समझा है, ये मैं करना चाहता हूँ, और आप सबसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि ये कीजिए, संयम, संकल्प और स्वाध्याय। नमस्कार।